अधिकार जताने वाली हूँ मैं, सेइंग दैट कि हमें एक बहुत ही गोरी लड़की चाहिए। नेगेटिव कैरेक्टर होता है वो काफ़ी इनोसेंट भी होता है। प्यार की परिभाषा इस बार बदलने वाली है क्योंकि दिल को इस बार अलग ढंग से प्यार होने वाला है। इस वक्त हमारे साथ उर्वशी है। उर्वशी हेलो। सो पहले सबसे ये बताइए क्योंकि इस बार जो प्रोमो सामने आ रहा है बहुत ही अलग ढंग से प्यार करने का तरीका दिखा रहा है, क्या प्रोमो है और किस तरह से आज हम देखने वाले हैं ये सारा ही नरेशन ऑफ प्यार? तो बेसिकली प्रोमो तो आपको देखना पड़ेगा, बट अ लिटिल बिट अबाउट द स्टोरी कि जो बेस लाइन है हमारी कि प्यार सुपरफिशियल चीज़ों से नहीं होता, किसी के रूप, किसी के रंग से नहीं होता, किसी के पर्सनालिटी, किसी के सादगी से होता है। तो मेरा बस कैरेक्टर वही है कि एक कॉन्ट्रास्ट दिखा देना कि ये एक आइडियल अगर किसी को जाना जाए तो इनसे प्यार होना ऐसे ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। तो हमारे इस शो के थ्रू, इस प्रोमो के थ्रू तो बस हम वही बता रहे हैं। और इस प्रोमो में तो छोटी यंगर सिस्टर का क्या बोलते हैं अधिकार जताने वाली हूँ मैं और पूरी तरह से रिवोल्ट करने वाली हूँ मैं, तो मेरे तरफ से क्या होने वाला है मैं यही बता सकती हूँ। बिल्कुल। और क्योंकि एक पहले जो प्रोमो आया है उसमें भी आपका एक अलग ही अवतार सामने आया जहाँ आप बहुत ही यंग बहन प्ले कर रही हैं और अलग तरह से व्यवहार कर रही हैं जी। सो किस तरह से ये कैरेक्टर है वो आपके दिशा में आया और हाउ डिड इट केम टू योर वे? ऑल्सो वॉट वॉज समथिंग जो आपको जिसने आपको इंक्लाइन किया कि आप ये कैरेक्टर करें? अप्रोच्ड सेइंग दैट कि हमें एक बहुत ही गोरी लड़की चाहिए। आई सेड ओके, दैट इज़ वेरी रेसिस्ट। एंड आइडियली स्पीकिंग जो मेरा कैरेक्टर है मुझे लग रहा है कि मैं उससे एग्जैक्ट ऑपोजिट हूँ, तो इसीलिए मुझे वो प्ले करने भी मज़ा आ रहा है। बिकॉज अगर आप खुद को ही प्ले कर रहे हो ऑन स्क्रीन इट गेट्स वेरी बोरिंग, क्योंकि वही हो आप, यू आर लिविंग दैट लाइफ ऑलरेडी। बट टू लिव एज जानवी जो कि एकदम पू की तरह है, उसको लाइफ में सब कुछ मिल चुका है और जो नहीं मिला है शी मेक श्योर दैट शी इज़ गॉट इट। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। और घर के जो भी छोटे बच्चे होते हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़े हटी होते ही हैं, नेचुरली हटी होते हैं। इट्स जस्ट दैट इसको इसको बहुत अटेंशन भी मिल चुका है तो ये एक्स्ट्रा हटी है, इज़ वॉट आई फील। बट एज अ पर्सन आई एम गोइंग टू ट्राई एंड मेक इट मोर कन्विंसिंग एंड नॉट शो ऐसा आउट एंड आउट नेगेटिव, कि बस कन्विंस हो जाए ऑडियंस कि ये ऐसी है, ये यही सोचेगी, इसको यही ज़िद करनी होती है, उसको जो चाहिए वो वही चाहिए होता है। तो काफ़ी कन्विक्शन के साथ हो, ऐसा ना ऑडियंस को डिसकनेक्ट ना फील हो कि ये क्यों ज़बरदस्ती कर रही है। कहीं भी आई विल मेक श्योर कि ये ज़बरदस्ती ना लगे। एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ जानवी, यू नो, शी इज़ दैट बोल्ड, दैट रिवोल्टिंग, दैट ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। बिकॉज ये बहुत नेगेटिव हमने हमेशा ऐसे वो वैम्पिश तरह से देखे हैं, यहाँ पे मुझे पर्टिकुलरली बताया गया है कि इट शुड बी पोर्ट्रेड इन अ वेरी इनोसेंट वे। कभी कभी आपने देखा होगा कि इन इंटरनेशनल सब्जेक्ट्स एक जो नेगेटिव कैरेक्टर होता है वो काफ़ी इनोसेंट भी होता है, आपको उसके ऊपर प्यार भी आ रहा होता है, बट ऐसा लगता है कि क्यों कर रहे हो संभल जाओ। तो आई थिंक जानवी इज़ दैट, और मुझे यही इसके तरफ इंक्लाइन कर रहा है क्योंकि इट इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर मी एज अ पर्सन बिकॉज इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट, आई हैव नेवर डन दिस इन द पास्ट। सो या, बिल्कुल। और ऐसे में आपका जो स्टाइल भी है वो भी काफ़ी अलग वे में रखा गया है, प्लीज़ बताइए क्या एक्सेसरीज और क्या किस तरह से लुक पे खेला गया? लुक इन काफ़ी पेस्टल कलर का देना था एंड शी शुड लुक वेरी यंग। एंड ट्रस्ट मी, मैंने कम से कम 80-90 आउटफिट्स ट्राई करेंगे और उसमें से भी सिर्फ 3 सिलेक्ट हुए, और मैं ऐसी हूँ कि क्यों? सो बेसिकली दे वॉन्ट जानवी टू लुक लाइक द यंग गर्ल। आउटफिट के द्वारा भी पोर्ट्रे करने की कोशिश की है दैट द पिंक इज शोइंग, देर इज जिस कलरफुल ब्राइट ज्वेलरी, सो या दैट्स इट। तो बहुत ही लाइट है, ऑफकोर्स दे आर नॉट गोइंग ऑल आउट, थोड़ा सटल भी रख रहा है, थोड़ा क्लासी सा भी रख रहा है, बिकॉज एट द सेम टाइम शी इज़ मिस राजस्थान, जो जानवी का कैरेक्टर है शी इज़ मिस राजस्थान, सो उसे दिखना होगा वैसे, यू नो, शी कैन नॉट वेयर एवरीथिंग एट वंस। सो ओके, आल्सो वी कैन सी कि आपके जो को एक्टर्स हैं वो भी काफ़ी शानदार है, प्लीज़ बताइए इनके साथ किस तरह से बॉन्डिंग बैठ रही है सो फार? आई थिंक हमने सिर्फ अभी तक 2
शूट किया बिकॉज एज सून एज वी मेट इट वॉज जस्ट वेरी नॉर्मल एंड हम अपनी अपनी बातें करने लगे, हम अपना अपना चिल करने लगे एंड वी ऑल्सो डिस्कवर्ड कि वी आर क्वाइट ऑपोजिट देन ईच अदर एंड वी आर प्लेइंग ईच अदर. सो शी इज़ लाइक दैट इन रियल लाइफ, जो मेरी सिस्टर बनी है. एंड जो अक्षित है, ही इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. ही इज़ द subdued, the subtle energy of the group. So basically, हम एक group ही बन गए. हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 entertainment. तो अगर आपको ये video पसंद आया है, आप इसे like करें, comment देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही exclusive content के लिए हमारे channel को subscribe जरूर करें. अगर आप यही video Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook page को भी follow करें. और हाँ, ऐसे ही exclusive content के लिए हमारे channel को भी subscribe करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ.